Welcome back, dear viewers on my channel. This is Neha Sharma, and today I am again here with the most important questions of biology which are asked in the previous last two years' competitive exams related to the बायोलॉजी टीचिंग एंड रिलेटेड टू द नीट एंट्रेंस एग्जाम बहुत से ऐसे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे जो हमारे पिछले दो साल में डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं स्पेशली रिलेटेड टू द बायोलॉजी सो लेट्स टॉ दीडियो विदाउट डिलइंग अंगल मोमेंट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन इज द टर्नर सिंड्रोम इज़ करेक्टराइज बाय क्रोमोजोम्स टर्नर सिंड्रोम जो कि जेनेटिक्स में एक टॉपिक आता है डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स आर प्रेजेंट ओवर देयर रिलेटेड टू दी क्रोमोसोम नंबर पोलाइडी या तो एडिशन होगी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स की या डिलीशन हो रही है वहाँ पे तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिंड्रोम्स आर जनरेटेड ओवर देयर तो उन्हीं में से एक है टर्नर सिंड्रोम तो इसमें जो क्रोमोजोम्स हैं उनका नंबर क्या रहता है सो इट्स फोर्टी एंड एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन हेयर द

संकंस मींस धंसे हुए रंध्र पोर्स दीज आर प्रेजेंट इन किस तरीके के प्लांट्स में होते हैं हेयर आंसर इज ज़ेरो फाइट्स विल बी द राइट आंसर डी विल बी नो डी विल नॉट बी द आंसर सो जीरो फाइट्स यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि जीरो फाइट्स ऑलरेडी वो डेजर्ट कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं अगर उनके पोर्स धंसे हुए नहीं होंगे स्टोमेटा उनके जो है वो अपर लेयर्स में प्रेजेंट होंगे सो इट विल बी वेरी ईजी फॉर ट्रांसपीरेशन टू लूज ऑल दी वाटर फ्रॉम दीज प्लांट्स और जैसा कि हम जानते हैं कि जीरो ऑलरेडी डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर पानी की जो है वो शॉर्टेज होती है बहुत ज़्यादा हीट होती है तो उस हीट को टोलरेट करने के लिए और पानी को कंजर्व करने के लिए ये जो एक मॉडिफिकेशन है संकन स्टोमेटा की वो इन जेरोफाइट्स में डेवलप हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्लोरिसेंस यहाँ पे पूछी गई है फ्लोरल अरेंजमेंट इन यू फोर विया हिरुसुटा तो हिरसुटा में पुष्प क्रम यानी कि जो फ्लावर्स हैं वो किस तरीके से लगते हैं सो इट इज सैथियम इन फ्लोरिसेंस इज प्रेजेंट ओवर देयर तो ये पीजीटी बायोलॉजी पेपर में जो है वो 2011 में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया बेलिनोग्लोसिस का जो लार्वा है उसको क्या बोला जाता है सो so, बेलिनोग्लोसिस का जो लार्वा है उसको टोर्नेरिया लार्वा बोला जाता है तो आपको याद रखना है बहुत बार जो है वो लार्वेल स्टेजेस जो है वो पूछी जाती है अब ये लार्वा क्या चीज़ है तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए आपको बताऊंगी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डायरेक्ट डेवलप नहीं होते जैसे हम ह्यूमन बीइंग है हम डायरेक्ट चाइल्ड को बर्थ देते हैं वो चाइल्ड बर्थ के टाइम जो नौ महीने का एक टाइम पीरियड होता है उसमें होते हैं ड्रीम सेटर कि फर्स्ट थ्री मंथ में बच्चे के जो है ये पर्टिकुलर ऑर्गन डिवेल्प हो रहे हैं नेक्स्ट थ्री मंथ में कोई और ऑर्गन डिवेल्प हो रहा है एंड लास्ट के थ्री मंथ में उसकी कोई और डेवलपमेंट हो रही है बट एंड में फुल फ्लैश जो है वो हम एक यंग वन को जन्म देते हैं बट कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक हम फ्रॉग की बात करें तो उसमें टेटपोल लार्वा होता है तो लार्वा मतलब कि ऑर्गेनिज्म किसी यंग वन को जन्म तो दे रहा है बट बॉडी से बाहर फीमेल बॉडी से बाहर आने के बाद वो जो यंग वन पैदा हो रहा है उसकी जो शेप साइज बॉडी स्ट्रक्चर या एडेप्टशंस हम लोग बोल रहे वो उसके छोटे स्टेज के ऊपर कुछ हो रहा है उसके बाद वो डिवेलप होके जो है वो किसी उसकी जो पूरी की पूरी की पूरी शेप साइज़ या जो भी उसकी एक्टिविटी वो टोटल चेंज हो रही है। तो अगर हम देखें तो टेडपोल लार्वा और जो फ्रॉग है उसके बीच में काफी डिफरेंस रहता है और जैसे कि हम सिल्क की भी बात करें तो उसमें जो है वो उसका प्यूपा फॉर्म से जो है वो प्रॉपर जो है वो जब सिल्क बनाने वाली वो सिल्क मौत बन रही है तो उसकी लार्वल स्टेज चेंज होकर सिल्क मौत जो है वो टोटली अलग होती है अपनी लारवल स्टेज से तो लार्वल स्टेजेस जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें यहाँ पे लिखा है पेट्रीफिकेशन इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप्स ऑफ ये किस चीज से रिलेटेड है ये वर्ड पेट्रीफिकेशन यानी कि दबना इम्प्रेशन मतलब कि छाप एंड कंप्रेशन मतलब कि दबाना सॉइल के लेयर्स के नीचे हाई हीट टेम्परेचर के अंदर दब जाना तो ये सारी चीजें रिलेटेड है फॉसिल्स के क्योंकि फॉसिल्स जो हैं वही लेयर बाय लेयर सॉइल के नीचे जो है वो दबते हैं एंड अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर उनके जो है वो इम्प्रेशन बनते हैं पेट्रिफिकेशन होती है जिसकी वजह से वो अदर फॉसिल फ्यूल्स कोल पेट्रोल में वो कन्वर्ट हो रहे हैं सो दीज ऑल वर्ड्स आर रिलेटेड टू फॉसिल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सोमाइट सोमाइट्स मीन जिस तरीके से हम लोग मेटामेरिज्म में पढ़ते हैं पीसेस बॉक्सेस हम बोल सकते हैं तो सोमाइट्स यहाँ पे उस तरीके से आप बॉक्सेस या पीसेस या सेगमेंट्स आप समझें तो कितने सोमाइट्स होते हैं इन थर्टी थ्री इर्स ओल्ड चिक कैमरे तो चिक कैमरे हम जब भी मास्टर्स करते हैं जॉल से तो वहाँ पे ये सोमाइट्स से रिलेटेड जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए स्लाइड्स रखी जाती है कि हमें स्लाइड्स में सोमाइट्स को काउंट करके हमें बताना होता है कि ये जो चिक है ये कितने मतलब कि न, कितने मंथ का है कितने आर्स का है सो अगर थर्टी थ्री यहाँ पर आपको सोमाइट्स देखने को मिलते हैं तो इट्स लाइफ टाइम will be 10 hours. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन बींग एज इट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है सो ऑप्शन विल बी सी विथ हायर अफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन तो ये जो हीमोग्लोबिन नॉर्मली ऑक्सीजन को कैरी करता है एच बी ओ टू जो बनता है वहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ओ टू की जगह जाके एच वी के साथ हीमोग्लोबिन के साथ खुद जुड़ जाती है एच बी सी ओ बनाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो है वो ऐसे नींद से आने लगती है हमें जो है वो हेलोसिनेशन होने लग पड़ती है क्योंकि बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एंड इन सीवियर केसेस जो है वो डेथ भी हो सकती है एंड इसका जो है वो हम लोग लेटेस्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा ठंडे एरियाज होते हैं लाइक हिमाचल प्रदेश या वी कैन से जम्मू कश्मीर एंड ऑल अदर थिंग्स तो वहाँ पर जो है वो अंगीठी यूज की जाती है और उस अंगीठी कई बार लोग क्या करते हैं वो अंगीठी को कमरे के अंदर रख कर जो है वो पूरा रूम बंद करके कर, जो है वो पैसे सो जाते है ताकि रूम गर्म रहे बट रूम तो गर्म हो रहा है बट उसकी वजह से वहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड जो है वो रिलीज होती है और दैट्स वाई हम मतलब मॉर्निंग में न्यूज़ पढ़ते हैं कि दम घुटने की वजह से इतने लोग मर गए तो वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमारे जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ कार्बन मोनोक्साइड जो है वो जुड़ जाती है और ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है उसको रोकती है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे स्क्रीन के ऊपर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नींदर आप प्रोक्रियोट नॉ नॉरा यूक्रियोट इनमें से कौन सी चीज जो है वो ना प्रोक्रियोट है ना यूक्रियोट है तो नॉस्टॉक यहां पे एलगी मेंशन कर रखे सक्रोमाइसेस क्लैमाइडोमास वी ऑल नो दैट दिस आर द टाइप्स ऑफ एलगी इन दिस ऑल थिंग्स टी एम बी टोबैको वी फोर वायरस प्रेजेंट होवर दी तो ये ना तो हम प्रोक्रियट में एंटर करेंगे इसको ना हम इसको यूक्रेट में हम डाल सकते हैं नॉन लिविंग एंटिटी इन साइड आउटसाइड द लिविंग बॉडी और जब लिविंग बॉडी में ये एंटर कर जाता है तो ये लिविंग uh, बन जाता है एक्टिवेट हो जाता है तो इट विल बी दी राइट आंसर so these were some of the questions uh, which i thought were most important to be asked in any competitive exam for more videos like this one stay up, uh, connected kindly like subscribe and share my channel thank you